सी विचारधारा थी? पूंजीवादी विचारधारा। एक एक चीज को आज हम क्लियर करेंगे। निकिता कुश जेव सौवे संघ नेता का नाम क्या था? निकिता कुशजेव। ये सौवे संघ क्या था? नेता था। ठीक है, यहां के नेताओं को क्या लगा? क्योंकि क्यूबा में भी क्या थी? साम्यवादी विचारधारा थी। क्या थी यहां पे? साम्यवादी विचारधारा। अब देखिए बच्चों, क्योंकि साम्यवादी विचारधारा है और इसकी भी साम्यवादी विचारधारा है, अर्थात दोनों की एक जैसी सोच है, इसलिए दोनों क्या थे? आपस में मित्र थे। क्या थे आपस में? दोनों मित्र थे। यानी सोवियत संघ का मित्र कौन था? क्यूबा। लेकिन क्यूबा क्या था? तट पर था, स्थित था, यानी इसके बिल्कुल पड़ोस में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल पास में स्थित है। चलिए अब यहाँ के नेता को क्या लगा? इनको थोड़ी सी, हमारा जो ये मित्र है हमारी आपसी लड़ाई में, यानी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो युद्ध शुरू होता है, चीत युद्ध, वो 1945 से शुरू हो जाता है। ठीक है, 1945 से हमने देखा था पिछले वीडियो में, 1945 की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन यहां 1945 से दोनों के मध्य क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा है। लेकिन सोवियत संघ को क्या लगा? थोड़ा सा अपने मित्र के बारे में थोड़ी सी उसे विचार हुआ उसका कि कहीं अपने मित्र क्यूबा के ऊपर अमेरिका आक्रमण ना कर दे, क्योंकि क्यूबा किसका दोस्त है? सोवियत संघ का है। इसीलिए सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया? यहां से इसने अपनी कुछ मिसाइलों को यहां पर तैनात कर दिया इस प्रकार से, और निशाना किधर रखा? बिल्कुल अमेरिका की तरफ। निशाना कहां है? बिल्कुल अमेरिका की तरफ है यहां पे। ठीक है, देखिए सोवियत संघ ने यहां पर क्यों अपना सैनिक अड्डा बनाया? यहां अगर सोवियत संघ यहां से आक्रमण करता है इतनी दूर से, तो यहां अमेरिका को क्या होगा? बहुत कम नुकसान होगा, क्योंकि बहुत दूरी से वार कर रहा है, इसलिए इसको क्या होगा? नुकसान तो होगा, लेकिन नुकसान कैसा होगा? नुकसान बहुत कम होगा, इसको कम नुकसान होगा इसको इतने पास से। तो जब यहां से आक्रमण करेगा तो इस पूरे इस क्षेत्र को क्या करेगा? ये इस पूरे क्षेत्र में बहुत भारी तबाही मचाएगा।